नाउ वी विल बी डिस्कसिंग दी अटैचमेंट्स ऑफ डिफरेंट मसल्स एंड डिगमेंट्स इन दिस बोल तो इस ह्यूमरस के अंदर हम लोग सबसे पहले ऑरिजिन ऑफ द डिफरेंट मसल्स को डिस्कस करेंगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इंसर्शन ऑफ द डिफरेंट मसल्स को तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रिकियालिस मसल की तो ब्रिकियालिस मसल जो होता है उसका ओरिजिन होता है लोअर हाफ ऑफ द एंटेमीडियल एंड एंटे लेटरल ऑफ द शाफ्ट तो हम लोग को पता है कि ये इसका एंटर एंटीरियर बॉर्डर जो होता है और इसका ये मीडियल बॉर्डर है और ये इसका लेटरल बॉर्डर है तो एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में ये जो एंटर मीडियल सरफेस है इसके लोअर हाफ से और ये जो एंटर लेटरल सरफेस है इसके लोअर हाफ से ये दोनों के लोअर हाफ से ऑरिजिन होता है ब्रेकियालिस मसल का सेकेंड है ब्रेकिो रेडियालिस मसल ब्रेक्यो रेडियालिस मसल का ओरिजिन होता है अपर टू थर्ड ऑफ द लेटरल सुपरा कॉन्डाइलर रिच यह था लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिच और इस लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिच के अपर टू थर्ड से ऑरिजिन करता है ब्रेक्यो रेडियालिस मसल नेक्स्ट मसल है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल ओरिजिन करता है लोअर वन थर्ड ऑफ द लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिच मतलब ये जो लेटरल सुपरा रिच है उसका ये जो लोअर वन थर्ड है यहाँ से ओरिजिन होता है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस का तो मतलब ये पूरा का पूरा लेटरल सुप्रा सुप्राकडाइलर रिज के अपर टू थर्ड से ओरिजिन हो जाता है ब्रेक्यू रेडियालिस मसल का और लोअर वन थर्ड से ओरिजिन हो जाता है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस का नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जिस मसल का उसका नाम है प्रोनेटेड टेरिस प्रोनेटेड टेरिस मसल का ओरिजिन होता है लोअर वन थर्ड ऑफ द मीडियल सुप्रा सुप्राकडाइलर रिज ये जो मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज है इस मीडियल सुप्रा कोडाइलर रिज का जो लोअर वन थर्ड है यहाँ से ओरिजिन करता है प्रोनेटेड टेरिस मसल इसके बाद हम लोग बात करते हैं सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल्स ऑफ द फोराम के बारे में तो सारे के सारे सुपरफिशियल फ्लेक्सर्स ऑफ मसल मसल्स ऑफ द फोर जो हैं वो ओरिजिनेट करते हैं एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल एपीकोंडाइल से जहाँ से इनका कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन होता है तो ये जो मीडियल एपीकोंडाइल है इस मीडियल एपिकोंडाइल के एंटीरियर एस्पेक्ट से मतलब यहाँ से कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन होता है सारे के सारे सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल्स ऑफ द फोर का नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द आर्म तो सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द आर्म जो है वो ओरिजिनेट करते हैं लेटर एपिकोंडाइल से मतलब यहाँ से दैट इज द लेटर एपिकोंडाइल से ओरिजिन होता है सारे के सारे सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द फोराम का जहाँ से इनका कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन होता है और यहीं से ओरिजिन होता है सुपाइनेटर मसल का भी नेक्स्ट मसल हम लोग बात करने वाले हैं जिस मसल का उसका नाम है एनकोनियस एनकोनियस मसल का ओरिजिन जो होता है वो होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेट्रल एपिकोंडाइल का मतलब ये जो लेटरल एपिकोंडाल है इस लेटरल एपिकोंडाइल का जो पोस्टीरियर सरफेस होता है मतलब ये वाला सरफेस यहाँ से ओरिजिनेट करता है एंकोनियस मसल नेक्स्ट मसल की हम लोग बात करने वाले हैं वो है लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकाई तो इस बोन से लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकाई और मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकाई का ओरिजिन होता है जो लेटरल हेड ऑफ़ द ट्राइसेप्स ब्रेकाई है वो ऑब्लिक रिज से ओरिजिनेट करती है हमने पढ़ा था कि जो पोस्टीरियर सरफेस होता है पोस्टीरियर सरफेस पे ये जो रेडियल या फिर स्पायरल ग्रूव प्रेजेंट होता है इसके ऊपर एक रिज प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओब्लिक रिज और इसके ये जो ऊपर ऑब्लिक रिज प्रेजेंट होता है जो कि अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस एबव द रेडियल ग्रूव प्रेजेंट होता है यहाँ से ओरिजिनेट होता है लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकाई नेक्स्ट इज द मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकाई जो कि ओरिजिनेट करता है पोस्टीरियर सरफेस से बिलो द रेडियल ग्रूव मतलब ये जो पूरा का रेडियल ग्रूव दिख रहा है इस रेडियल ग्रूव के बिलो ये पूरा का पूरा पोस्टीरियर सरफेस जो है यहाँ से पूरा ओरिजिनेट करता है मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकाई तो अल्टीमेटली तीन हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकाई होते हैं फर्स्ट इज द लेटरल हेड सेकंड इज द मीडियल हेड एंड थर्ड इज द लॉन्ग हेड लेटरल हेड जो है वो ओरिजिनेट करता है ऑब्लिक ऑब्लिक्रिथ से जो कि प्रेजेंट होता है अबब द रेडियल ग्रूव और मीडियल हेड ऑफ़ द ट्राइसेप्स ब्रेकाई जो है वो ओरिजिनेट करता है पोस्टीरियर सरफेस से जो कि प्रेजेंट होता है बिलो द रेडियल ग्रो एंड फाइनली होता है लॉन्ग हेड ऑफ़ द ट्राइसेप्स ब्रेकाई जो कि हमने पढ़ा था स्कैपुला वाले वीडियो में कि वो ओरिजिनेट करता है इन्फ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल ऑफ़ द स्कैपुला से तो ये हमने सारे ओरिजिन डिस्कस किए इसके बाद हम लोग एक एक करके सारे इंसर्शन को डिस्कस करेंगे सारे मसल्स की अब हम लोग इस बोन पे डिफरेंट मसल्स का इंसर्शन देखेंगे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सब स्केपेलैरिस मसल के इंसर्शन की तो सब स्केरस मसल जो है वो इंसर्ट होता है इसके लेसर ट्यूबरकल पे ये जो लेसर ट्यूबरकल है जो कि एंटीरियर पे ये एक प्रोमिनेंस देखने को मिलता है इस लेसर ट्यूबरकल पे इंसर्ट करता है सब स्केपेलैरिस मसल इसके बाद दूसरा मसल है उसका नाम है स्पाइनेटस सुप्रास्पाइनेटस स्पाइनेटस और टेरेस माइनर इन तीनों मसल्स का इंसर्शन हम लोग देखेंगे स्पाइनेटस मसल जो है वो इंसर्ट करती है अपर मोस्ट इंप्रेशन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल पे इन्फ्लेस इन्फ्रेस्पाइनेटस मसल इंसर्ट करती है मिडिल इंप्रेशन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल पे और टेरिस माइनर इंसर्ट करती है लोअर इंप्रेशन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल पे हमने देखा था कि ये जो ग्रेटर ट्यूबरकल होता है इस ग्रेटर ट्यूबरकल के सुपीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट को हमने टोटल तीन इम्प्रेशन में डिवाइड किया था सबसे पहला इंप्रेशन जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं सुपीरियर इंप्रेशन या फिर अपर इंप्रेशन उसके बाद इसके अंदर होता था मिडिल इंप्रेशन और उसके बाद होता था इसके अंदर लोअर इंप्रेशन तो इसके अंदर जो अपर मोस्ट इंप्रेशन होता है वहां से ओरिजिनेट करता है वहाँ से वहां पे इंसर्ट करता है सुपरस्पानेटस मसल मिडिल इंप्रेशन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल में इंसर्ट करता है इंफ्रास्पैनेटस मसल और लोअर इंप्रेशन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल पे इंसर्ट करता है टेरेस माइनर मसल तो ये हमने चार मसल का इंसर्शन देखा सब इसके का इंसर्शन देखा लेसर ट्यूबरकल पे और सुपरास्पानेटस इंफ्रास्पाइनेटस टेरेस माइनर का इंसर्शन देखा ग्रेटर ट्यूबरकल पे फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मसल का जिसका नाम है पेक्टोरलिस मेजर पेक्टोरलिस मेजर जो है वो इंसर्ट करती है लेटरल लिप ऑफ द इंटर सल्कस पे ये जो इंटर ट्यूबेकुलर सल्कस था इसका ये जो लेटरल लिप होता है इस लेटरल लिप पे जाकर के इंसर्ट करता है हमारा पेक्टोरलिस माइनर पेक्टोरलिस मेजर सॉरी पेक्टोरलिस मेजर इंसर्ट करता है लेटरल लिप ऑफ द इंटर ट्यूबेकुलर सल्कस पे टेरिस मेजर जो है वो इंसर्ट करता है मीडियल लिप ऑफ द इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस पे ये मीडियल लिप ऑफ द इंटर ट्यूबेकल सल्कस है और यहाँ पे इंसर्ट करता है हमारा टेरिस मेजर लेटिसमस डॉसाइ .si जो है वो फ्लोर ऑफ द इंटर ट्यूबरकल सल्कस में जाकर के इंसर्ट करता है तो ये तीन मसल जो इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस में जाकर के इंसर्ट करती है दैट इज पेक्टोरलिस मेजर लेटरल लिप पे टेरिस मेजर मीडियल लिप पे और लेटिसमस डॉर्साई .si जो कि करती है फ्लोर ऑफ द इंटर ट्यूबरिकल सल्कस में जाकर के इंसर्ट होती है अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कंटेंट्स ऑफ द इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस के बारे में इस इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस में कुछ कुछ कंटेंट्स होते हैं जो इससे इसके थ्रू पास करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकाई एंड साइनोवियल शीथ यहां से पास करता है एंड सेकंड इसके अंदर से असेंडिंग ब्रांच ऑफ द एंटीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी पास करती है तो टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकाई हमने पढ़ा था कि बाइसेप्स ब्रेकाई जो है उसका लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकाई जो कि ओरिजिनेट करता था सुप्राग्लूनाइट ट्यूबरकल ऑफ द स्कैपुला से उसका टेंडन यहीं से पास करता है और साथ ही साथ एंटी असेंडिंग ब्रांच ऑफ द एंटीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी भी इस इंटर ट्यूबरको सल्कस का कंटेंट होती है नेक्स्ट मसल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है डेल्टॉइड हमें पता है कि डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी एक प्रेजेंट होता है एंटरलेटरल सर्फेस पे दिस इज द वी शेप्ड डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी ये जो वी शेप्ड डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी होता है यहां पे जाकर के इंसर्ट करता है डेल्टॉइड मसल नेक्स्ट मसल है कोरेको ब्रेक्यालिस कोरेको ब्रेक्यालिस इंसर्ट करता है इन द रफ एरिया ऑन द मिडिल ऑफ द मीडियल बॉर्डर ये जो मीडियल बॉर्डर था ये जो मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर रिथ से आता हुआ ये जो मीडियल बॉर्डर था इस मीडियल बॉर्डर के सेंटर में यहाँ पे मतलब मिडिल में यहाँ पे एक रफ एरिया प्रेजेंट होता है जहाँ पे कोरेको ब्रेक्यालिस मसल का इंसर्शन होता है तो ये हमने डिफरेंट मसल्स का इंसर्शन देख लिया इसके बाद हम लोग कुछ लिगामेंट्स का इंसर्शन देखेंगे इस बोन के अंदर अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट लिगामेंट्स के अटैचमेंट की जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट के बारे में तो जो कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट होता है वो अटैच करता है इसके एनाटॉमिकल नेक पे एनाटॉमिकल नेक जो कि हमने डिस्कस किया था इसके फीचर्स में एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस वो पार्ट होता है जो कि डिवाइड करता है हेड ऑफ द ह्यूमरस को रेस्ट ऑफ द अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस से मतलब दिस इज द एनाटॉमिकल नेक जो कि डिवाइड कर रहा है हेड ऑफ़ द ह्यूमरस को रेस्ट ऑफ द अपर एंड से इस एनाटॉमिकल नेक नेक के अलॉन्ग अटैचमेंट होता है कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट का बस इस अटैचमेंट में कुछ एक्सेप्शन होता है कि जब ये मीडियल साइड में इसके अटैचमेंट जो होता है वो उसका लाइन ऑफ अटैचमेंट डिप कर जाता है डाउन बाय टू सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर मतलब ये जो अटैचमेंट होता है ये ऐसे आता है ऐसे आता है मीडियल साइड में आते आते ये टू सेंटीमीटर ये अटैचमेंट डिप कर जाता है और उसके बाद फिर ये ऐसे हो जाता है तो ये एक्सेप्ट ऑन द मीडियल साइड ये लाइन ऑफ अटैचमेंट जहाँ पर डिप कर जाता है टू सेंटीमीटर ये पूरा का पूरा एनाटोमिकल नेक को कवर करता है और साथ ही साथ ये जो इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस है इस इंटर ट्यूबरिकुलर सल्कस के अलॉन्ग भी जब इसका अटैचमेंट होता है वहाँ पे यहाँ पे ये अटैचमेंट इंटरप्ट हो जाता है क्योंकि इसको एक अपर्चर प्रोवाइड करना होता है ताकि टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेका यहाँ से लीव कर सके तो ये था अटैचमेंट ऑफ द कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट जो कि अलॉन्ग द एनाटोमिकल नेक हो रहा था जिसमें एक तो मीडियली ये टू सेंटीमीटर डिप कर जा रहा था और दूसरा इंटर ट्यूबेकुलर सल्कस जो है वहाँ पर इसको अपरचर प्रोवाइड करना था इसलिए यह इंटरप्ट हो जा रहा था जिसकी वजह से लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसिप्स ब्रेकाई यहाँ टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसिप्स ब्रेका यहाँ से पास कर सके अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ़ द एल्बो जॉइंट के अटैचमेंट के बारे में तो जो कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ एल्बो जॉइंट होता है वो अलोंग द लाइन एट द अपर लिमिट्स ऑफ द रेडियल एंड द कोरोनोइड फोसा एंटीरियरली अटैच्ड होता है और ओलिक्रेन फोसा के ऊपर जो लाइन होती है उसके ऊपर ये अटैच्ड होता है मीडियली इसका लाइन ऑफ अटैचमेंट पास करता है बिटवीन द मीडियल एपिकॉन्डाइल एंड ट्रॉकलिया और लेटरली इसका लाइन ऑफ अटैचमेंट पास करता है बिटवीन द लेटरल एपिकॉन्डाइल एंड कैपिटुलम मतलब ये जो पूरा अटैचमेंट होता है ये हमारा रेडियल फोसा है ये हमारा कोरोनोइड फोसा है तो रेडियल फोसा और कोरोनोइड फोसा के ऊपर इसका लाइन ऑफ अटैचमेंट ऐसे पास करता है ऐसे करके इसका लाइन ऑफ अटैचमेंट पास करता है उसके बाद मीडियली इसका लाइन ऑफ अटैचमेंट जो है वो पास करता है बिटवीन द ट्रोकलिया एंड मीडियल एपिकोंडाइल यहां से ये जाता है और लेटरली ये पास करता है बिटवीन द कैपिटुलम एंड लेटर लेपिकोंडाइल तो कैपिटुलम और लेटर लेपिकोंडाइल के बीच से इसका लाइन ऑफ अटैचमेंट ऐसे जाता है और ट्रोकलिया और मीडियल एपिकोंडाइल के बीच से इसका लाइन ऑफ अटैचमेंट ऐसे जाता है फिर पोस्टीरियरली हम लोग बात करते हैं तो पोस्टीरियरली इसका लाइन ऑफ अटैचमेंट जो है वो ऐसे आ करके और ये जो ऑलिक्रेनन फोसा है इसके ऊपर से ये ऐसे लाइन ऑफ अटैचमेंट इसका पास करता है तो ये होता है कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द एल्बो जॉइंट का अटैचमेंट इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नर्व्स रिलेटेड टू द ह्यूमरस टोटल तीन नर्व्स होता है जो कि इस ह्यूमरस से रिलेटेड होता है सबसे पहला होता है एग्जिलरी नर्व सेकेंड होता है रेडियल नर्व और थर्ड होता है अल्नर नर्व एक्सिलरी नर्व जो होता है वो इसके सर्जिकल नेक पे प्रेजेंट होता है हमने सर्जिकल नेक देखा था जो कि अपर एंड को शाफ्ट से अलग करता है इस सर्जिकल नेक के अलोंग पास करता है सर्जिकल एक्सिलरी नर्व सेकेंड होता है रेडियल नर्व जो कि पास करता है अलोंग द रेडियल या फिर स्पायरल ग्रुप रेडियल या फिर स्पायरल ग्रुप जो कि इसके पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है ये रेडियल या फिर स्पायरल ग्रुप से पास करता है रेडियल नर्व ऐसे इसके अलॉन्ग पास करता है एंड थर्ड होता है अल्ना नर्व जो कि पास करता है बिहाइंड द मीडियल एपिकॉन्डाइल ये जो मीडियल एपिकॉन्डाइल है इस मीडियल एपिकोंडाइल के बिहाइंड एक नर्व पास करता है मतलब पीछे से इसके एक नर्व पास करता है और उस नर्व का नाम है अल्ना नर्व तो ये टोटल तीन नर्व है जो कि रिलेटेड होता है ह्यूमरस से इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्लिनिकल और अप्लाइड जो कि रिलेटेड है इस बोन ह्यूमरस से रिलेटेड इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्लिनिकल या फिर अपलाइड रिलेटेड टू द ह्यूमरस जिसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन साइट्स ऑफ द फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस जो फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस के कॉमन साइट्स होते हैं उसमें सबसे पहला साइट होता है जिसको हम लोग कहते हैं सर्जिकल नेक मतलब जो सर्जिकल नेक है जहाँ जिसने अपर एंड को शाफ्ट से डिवाइड किया था उस सर्जिकल नेक के अलॉन्ग फ्रैक्चर uh, होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है सेकेंड शाफ्ट से फ्रैक्चर होने का चांस ज्यादा होता है एंड थर्ड सुप्राकडाइलर रिज जो प्रेजेंट होता है इस सुप्राकडाइलर रिज से भी फ्रैक्चर होने का चांस सबसे ज्यादा होता है तो टोटल तीन कॉमन साइड्स ऑफ द फ्रैक्चर होते हैं दैट इज सर्जिकल नेक शाफ्ट एंड सुप्राकडाइलर रिज सेकेंड क्लिनिकल जो हम लोग देखेंगे दैट इज द सुप्राकडाइलर फ्रैक्चर के बारे में हम लोग समझेंगे जो सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर फ्रैक्चर होता है वो ज्यादा कॉमन होता है इन द यंग एज और ये जनरली होता है ड्यू टू द फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच्ड हैंड इसकी वजह से क्या होता है कि जो लोअर फ्रेगमेंट होता है जब सुपरा कोंडाइलर फ्रैक्चर होता है तो जब ये फ्रैक्चर हो जाता है इसकी वजह से ये जो पूरा का पूरा लोअर पार्ट होता है या फिर लोअर फ्रेगमेंट होता है ये बैकवर्डली डिस्प्लेस हो जाता है मतलब ऐसे अगर ह्यूमरस है तो ये ह्यूमरस का अगर सुप्रा कोंडाइलर फ्रैक्चर हो गया जो कि जनरली कॉमन कॉमनली देखने को मिलता है यंग एज में जब फॉल जब पर्सन फॉल करता है ऑन द आउटस्टेज हैंड तब ये जो लोअर फ्रेगमेंट होता है वो बैकवर्डली या फिर पीछे की तरफ डिस्प्लेस कर जाता है और ये इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से मीडियन नर्व इंजरी भी देखने को मिल सकता है और वॉकमेंस इशमिक कॉन्ट्रैक्चर भी देखने को मिल सकता है ये वॉकमेंस इस्टमिक कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है क्योंकि इस इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से इस बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट की वजह से ऑक्लूजन ऑफ द ब्रेकेल आर्टरी हो जाता है जिसकी वजह से फाइब्रोसिस ऑफ द फ्लेक्सर मसल्स ऑफ द फोराम हो जाता है और उसी को हम लोग कहते हैं वॉकमेंस एस्टमिक कॉन्ट्रैक्चर नेक्स्ट अप्लाइड जो हम लोग देखेंगे वो है हेड ऑफ द ह्यूमरस जो है वो सबसे ज्यादा कॉमनली डिसलोकेट करता है एंटरो इन्फीरियर डायरेक्शन में ऐसा क्यों होता है क्योंकि ये जो हेड ऑफ द ह्यूमरस होता है इसके चारों तरफ प्रेजेंट होता है मस्किलो टेंडिनस कफ जिसको हम लोग रोटेटर कफ भी कहते हैं ये जो मस्किलो टेंडिनस कफ या फिर रोटेटर कफ होता है ये एक फाइब्रस शीथ होता है जो कि फॉर्म होता है बाई द फोर फ्लैटेंड टेंडेंस विच ब्लेंड विद द कैप्स्यूल ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट ये जो फोर फ्लैटेड टेंडेंस ऑफ द मसल्स होती हैं वो होती है सब्सकैरिस मसल का टेंडन सुप्रेस सुप्रास्पाइनेटस मसल का टेंडन इन्फ्रास्पाइनाटस मसल का टेंडन और टेरस माइनर मसल का टेंडन तो ये चारों मसल की टेंडन जो है वो वो जा करके फ्यूज करती हैं फिर ब्लेंड करती है विद द कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट और बनाती है मस्कुलो टेंडनस कफ या फिर रोटेटर कफ अब ये जो रोटेटर कफ है ये ऑल अराउंड द शोल्डर जॉइंट प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट इन्फीरियरली जिसकी वजह से ये कफ जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है पूरे कैप्स्यूल को अराउंड द शोल्डर एक्सेप्ट इन्फीरियरली नेक्स्ट क्लिनिकल जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है टेनिस एल्बो गोल्फर एल्बो के बारे में टेनिस एल्बो कंडीशन जो है वो जनरली प्लेयर ऑफ द लॉन टेनिस और टेबल टेनिस के अंदर देखने को मिलता है और इस टेनिस एल्बो को हम लोग लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस भी कहते हैं इसके अंदर होता क्या है कि जब भी जो लॉन टेनिस या फिर टेबल टेनिस का प्लेयर है वो एक बॉल को शार्पली हिट करता है तो उसके एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द फोर आर्म कंटिन्यूसली यूज़ होते हैं और एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द फोराम हमें पता है कि उनका ओरिजिन जो होता है वो लेटरल एपिकोंडाइल से होता है वहाँ से उनका कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन होता है तो एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द फोराम के कंटिन्यूस यूज़ की वजह से रिपीटेड माइक्रोट्रामा होता है लेटरल एपिकोंडाइल का जिस वजह से लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको हम लोग टेनिस एल्बो भी कहते हैं नेक्स्ट कंडीशन है जिसको हम लोग कहते हैं गोल्फर सेल्बो गोल्फर सेल्बो जो होता है वो गोल्फ प्लेयर के अंदर देखने को मिलता है और इस कंडीशन को हम लोग मीडियल एपीकोडालाइटिस भी कहते हैं इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो प्लेयर होता है वो अपने फ्लेक्सर मसल्स को कंटिन्यूसली यूज़ करता है और क्योंकि हमें पता है कि फ्लेक्सर मसल्स का कॉमन ओरिजिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है मीडियल एपिकॉन्डाइल के एंटीरियर रेस्पेक्ट पे तो जिस वजह से क्योंकि फ्लेक्सर मसल्स को कंटिन्यूसली यूज किया जाता है इस कंडीशन में जिस वजह से रिपीटेड माइक्रोट्रामा होता है मीडियल एपिकोंडाइल का जिसकी वजह से मीडियल एपिकोंडाइलाइटिस की कंडीशन डेवलप होती है और इस कंडीशन को हम लोग गॉल्फर्स एल्बो कहते हैं नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फनी बोन के बारे में फनी बोन एक मिसनोमर है एक्चुअली में इसको फनी फनी बोन इज एक्चुअली अ नर्व विच इज अल्नर नर्व अल्नर नर्व जो होता है वो पल्पेबल होता है इन द फ्लेक्स्ड एल्बो बिहाइंड द मीडियल एपिकॉन्डाइल हमने पढ़ा था जब नर्व्स रिलेटेड टू द ह्यूमरस तो हमें पता था कि मीडियल एपिकॉन्डाइल के जस्ट बिहाइंड या फिर पोस्टीरियरली अल्नर नर्व यहाँ से पास करती है और ये जो अल्नर नर्व यहाँ से पास करती है वो जब फ्लेक्स्ड एल्बो का कंडीशन होता है तो वो यहाँ पर अल्नर नर्व पाल्पेबल होती है और जब भी पालपेशन करते हैं फोर आर्म के जब भी पालपेश पालपेशन हम लोग करते हैं इस अल्डर नर्व का तो एक फनी सेंसेशन प्रोड्यूस होती है इन द मीडियल साइड ऑफ द फोर और इस वजह से इसको हम लोग फनी बोन कहते हैं विच इज़ एक्चुअली द अल्डर नर्व नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेडियल नर्व इंजरी के बारे में रेडियल नर्व क्योंकि हमें पता है कि ह्यूमरस से रेडियल नर्व पोस्टीरियर एस्पेक्ट में से रिलेटेड होती है जो कि रेडियल ग्रूप या फिर स्पायरल ग्रुप से पास करती है ये जो रेडियल नर्व होता है वो ये जो रेडियल नर्व इंजरी होता है वो सबसे ज्यादा कॉमन होता है इन द रीजन ऑफ द रेडियल और स्पाइरल ग्रूव इसके रीजंस अगर हम लोग बात करें तो इसके दो तीन रीजंस हो सकते हैं जैसे रेडियल नर्व इंजरी का रीजन हो सकता है पहला रीज़न स्लीपिंग इन द आर्म चेयर विद द लिम्ब हैंगिंग बाय द साइड ऑफ द चेयर अगर कोई पर्सन जनरली वीकेंड्स के अंदर यह सैटरडे के अंदर देखा जाता है वीकेंड्स या फिर सैटरडेज में ऐसा देखा जाता है कि लोग ड्रिंक ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो नशे में सो जाते हैं आम चेयर पे जिन और उनका जो लिब होता है मतलब हाथ होता है वो हैंग करता रहता है बाय द साइड ऑफ द चेयर जिसकी वजह से कंटिन्यूस इरीटेशन ऑफ द रेडियल नर्व की वजह से यहाँ रेडियल नर्व का इंजरी हो जाता है और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं सैटरडे नाइट पॉलिसी क्योंकि सैटरडे के सैटरडे के दिन ये ज़्यादा कंडीशन देखने को मिलता है सेकेंड हम लोग को देखने को मिलता है जब कंटिन्यूस प्रेशर अप्लाई होता है प्रेशर ऑफ द क्रच अप्लाई होता है इन द हैंड्स जिसकी वजह से ये रेडियल नर्व जो है वो इंजर्ड हो सकता है अगर क्रचेस को जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पेशेंट्स हैं वो अगर क्रचेस का कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं तो कंटिन्यूस प्रेशर ऑफ द क्रचेस की वजह से रेडियल नर्व की इंजरी हो जाती है इन द रेडियल और स्पायरल ग्रुप जिसकी वजह से क्रच पैरालिसिस देखने को मिलता है थर्ड हम लोग को देखने को मिल सकता है ये रेडियल नर्व इंजरी ड्यू टू द फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस जो होता है उसका फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस मतलब अगर ये ह्यूमरस का शाफ्ट ही फ्रैक्चर हो गया तो उसकी वजह से भी ये रेडियल नर्व या फिर स्पायरल नर्व जो है वो उसकी इंजरी हो सकती है अब इनमें से किसी भी रीज़न की वजह से चाहे वो सैटरडे नाइट पॉलिसी हो चाहे वो क्रच पैरालसिसिसिस हो चाहे वो फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस हो इन तीनों में से किसी भी रीजन की वजह से अगर रेडियल नर्व की इंजरी हो जाती है तो उसका आउटकम ये होता है कि सबसे पहले रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलता है मतलब एक्चुअली में रेडियल नर्फ जो होती है वो एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट करने में हेल्प करती है तो जब ये कंडीशन डेवलप होती है तो वीकनेस ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट हो जाता है जिसकी वजह से रिस्ट ड्रॉप जैसी कंडीशन देखने को मिलती है कुछ इस तरह से मतलब वो एक्सटेंशन जो का जो पावर होता है रिस्ट का वो वो परफॉर्म नहीं कर सकता मतलब रिस्ट उसका एक्सटेंड नहीं हो पाता है नेक्स्ट ये जो रेडियल नर्व जहाँ जहाँ रेडियल नर्व का सप्लाई जहाँ जहाँ होता है वहाँ पे सेंसरी लॉस हो जाता है मतलब सेंसरी लॉस ऑन द बैक ऑफ द फोराम देखने को मिलता है ऑन द लेटरल साइड ऑफ द डॉर्सम ऑफ द हैंड देखने को मिलता है तो ये सारी कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है रेडियल नर्व इंजरी के अंदर तो ये हमने टोटल डिस्कस किया ह्यूमरस के अटैचमेंट्स और क्लिनिकल uh, या फिर अप्लाइड के बारे में So, this was all about this video. If uh, you like this video, please hit the like button, do share with your friends, and press the bell icon to get notifications for more such videos. Thank you.